हेलो जी, नमस्ते। और अगर लद्दाखी में कहे तो झूले। तो चल पड़े हैं हम एक नई अतरंगी जर्नी पे, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैजेस्टिक एंड पीसफुल लद्दाख। या सो इन दिस 8 डेज लॉन्ग बाइक टूर वी विल सी द एपिक लैंडस्केप्स फ्रॉम द वाइट सैंड ड्यून्स ऑफ नुब्रा टू द ग्रीन ग्रासलैंड्स ऑफ हानले एंड टू द डेजर्टेड टेरेन ऑल अलोंग द वे। From riding on the butter smooth roads to no roads, passing through the large river crossings, crystal blue lakes and majestic mountains, and soaking all of it with our all-time favorite Adrak Wali Chai. Yeah, and experience the culture and the lifestyle of old Ladakhs in the bordermost village of Turtuk, aur saath hi unki dil chhu jane wali kahaniyan, and taste the most delicious homegrown fruits and vegetables of Balti region. So this whole trip was a roller coaster ride of emotions, spirituality, adventure and the adrenaline rush amidst the peaceful vibe of Ladakh. So with this gratitude towards the Indian Army and the people of Ladakh, let's unfold the first chapter of this Atrangi journey. Yo. So bhai, ye hai is bari ka hamara saman. Do trekking bag aur ye nayi cheez hai. Ye hamare bike ke saddle bags hai kyunki hum ja rahe hain le on bike. चलो। चलो भाई, पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन। अभी तक फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो अब थोड़ा बाहर निकले हैं। तो भाई साहब, अभी तो बहुत गर्मी है वैसे। यार आज पहली बार ऐसा हुआ कि लैंडिंग एट अल्टीट्यूड 10,000 फीट से ज्यादा था। हाँ, वो अलग था। हाँ, ले ली है। हाँ, 2 दिन तो ले ही है। अच्छा भैया, कितना टाइम लगेगा जाने में? 10 मिनट। लद्दाख का ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। अब जा रहे हम होटल की तरफ। आज 2 दिन हमारा ले में स्टे है एक्लिमेटाइजेशन के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन वगैरह हमेशा साथ रखिए। माउंटेन दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है, तो भाई पानी वगैरह पीते रहेंगे तो सही रहेगा, इतना भी नहीं लग रहा ज़्यादा। जो पहले से ना वो ये राज्य का किसी को बनाती है। सारी शॉप्स ऐसे क्लोज ही रहती है क्या हमेशा ही? आज 2 बजे तक बंद किया है। ये 2 बजे के बाद फिर खुलेगा। अच्छा, डेली 2 बजे के बाद ही खुलता है? नहीं नहीं, आज खाली। आज आज क्या है, सैटरडे? नहीं नहीं, आज के दिन ना तीन लोग थे, वो तीनों मतलब सैक्रिफाइस किया। अच्छा, उनके लिए हाफ डे पूरा हो रखा। आ गया भाई होटल। दो लोग देख रहे हैं, वो ऊपर से ये हम हमारा ब्लॉग बना रहे हैं, हम उनका ब्लॉग बना रहे हैं। सब्सक्राइब टू अतरंगी जोड़ी। ठीक है भैया, क्या हमें बना ली है? क्या बना ली है? वीडियो। तो तुम्हारी वीडियो पे हमें ट्रस्ट नहीं है, हम सीनियर्स हैं। तो भाई हम पहुंच गए अपने होटल में, वेलकिन हाई नाम है, अच्छा लग रहा है। फॉर 2 डेज। यस यस, स्टेइंग फॉर 2 डेज हियर फॉर एक्लिमेटाइजेशन। निखिल जैन के नाम से हो। तो मिलाते हैं हम जिनके साथ हम ट्रिप पे आए हैं। तो दीदी जीजू, बट हम उनको बोल रहे हैं कि भाई जूनियर ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि उनका एक भी ब्लॉग लाइक नहीं गया अभी तक। रिकॉर्ड से उन्होंने भी हमारी तरह बहुत करते रखे, हम भी बहुत स्लो हैं इस मामले में, बट वो हमसे भी ज़्यादा स्लो हैं। तो उनके साथ हमने पहले भी ट्रिप करे हैं, इस पहले में बहुत मजा आएगा। गाइस, इफ यू रिमेंबर गाइस, मीट आवर सेल्फी। ओह माय गॉड, व्हाट अ पेंट दिस इज। ओह माय गॉड, हाइड दिस फ्रॉम मी। दिस इज
These are our interns. इनको हम लोग ट्रेनिंग देना आए हैं व्लॉगिंग की आज. हम ऑलरेडी अपनी व्लॉगिंग की वीडियो बना चुड़ने से क्या होता है, अपलोड भी तो करनी होती है. फटाक से रूम दिखा देते हैं आप लोगों को. ये है हमारा लेह का रूम. दो दिन का स्टे है यहाँ पे हमारा. सही लग रहा है, रूम तो क्लीन लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाहर का व्यू देखते हैं. अरे सही, व्यू तो ठीक है भाई, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया. चलो भाई एक्साइटेड. थोड़ा अब रेस्ट कर लेते हैं 15-20 मिनट, फिर निकलते हैं एकदम मार्केट में, कुछ खाते पीते हैं. ऑक्सीजन लेवल टेस्ट कर लेते हैं कितना आ रहा है. 86 कम तो हुआ है भाई, जनरली मेरा 98-99 रहता है. इसका भी देखते हैं मैडम का. ओए ऑक्सीजन चेक कराओ उंगली तो. सेवेंटी फोर बेटा, नहीं दूसरी उंगली दो. 91 92. क्या रही कर रहे, इसकी खुद की ऑक्सीजन मेजर करो पहले, इस मशीन की खराब है ये. कभी 70 से 90 बताया. उंगली उंगली पे चीखे हो जा रहा है. चलो भाई उठो भाई, निकलना है अब, बहुत सो लिया. मैं सिर्फ 2 घंटे की नींद लेके आया हूँ. मैं फ्लाइट में भी नहीं सोया हूँ, ये फ्लाइट में पूरा सो के आई और अब भी सो रही है. मेरे को ट्रिप पे नींद आती नहीं है वैसे भी. अब निकल लिए हम. हाँ बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो. निकल लिए हम लेह को एक्सप्लोर करने. चलो मैं ही बोलता हूँ. तो निकले हैं कुछ खाना खाने, तो लेह मेन मार्केट जा रहे हैं. तो कुछ कुछ तो हमने शॉर्टलिस्ट कर रखे थे, बाकी देखते हैं जो अच्छा लगेगा. जहाँ भीड़ होगी, जहाँ रिव्यूज अच्छे होंगे, वहाँ रुक के खा लेंगे. भूख लग रही है पर यहाँ की मेरे को सारी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लग रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर डिजाइन. यहाँ पे वुड वर्क काफी है. अभी थोड़ा चलते चलते जब हम बात कर रहे हैं ना, ज्यादा बात हो रही तो थोड़ा सांस में फूल रही है. तो वी आर टेकिंग इट वेरी स्लोली. तो 2 दिन को पूरा ज्यादा रश नहीं करना है, ये हमने सोच लिया है कि आराम आराम से चीजें करनी है ताकि हम खुद की बॉडी को प्रिपेयर कर पाए आगे के लिए. आई थिंक इसीलिए उन्होंने वो रूल भी निकाल दिया कि 48 आवर्स जरूरी है. बेशक फ्लाइट से आए चाहे रोड से आए, आपको 48 आवर्स ले में रुकना ही है, उसके बाद ही आगे जा पाएंगे. तो आज का पूरा दिन यही रहेगा कि बस ले मार्केट एक्सप्लोर करने वाले. चलिए यही है ले मार्केट, आई थिंक यहाँ से शुरू है अभी. पर सरप्राइजिंगली भीड़ काफी कम है. प्रॉब्ली टाइम थोड़ा वैसा है. कितना बज रहा है अभी? 4 बज रहे हैं. कौन सी लिए? काफी कुछ है. हाँ भाई कहाँ रुके हो? यहाँ चलते हैं, सही लग रहा है. हिमालयन कैफे. हाँ क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा, रिव्यू देख नहीं पाएंगे. लेट्स डू इम्प्रॉम्प्टू. मैं तो वाइब सही लग रही है भाई. हमने क्या किया था, एक तो चीज चिल्ली मोमोज किए थे और एक मशरूम और एक कुछ क्या नाम था, सूप. बेसिकली मोमोज इन सूप. तो वो तो ये अच्छा नहीं लगा हमें, तो मोमोज इन सूप ये सही था. अब तो दिख नहीं रहा आपको, बट हाँ तो डिसेंट था, स्टार्टर्स डिसेंट थे. सूप ठंडा था थोड़ा. नाम तो सीखा. एवरेज. अब भीड़ हो गई है. जैसे ही टाइम हुआ, कितने बज रहे हैं अभी, 5:15, और पूरी भीड़ हो गई. अब फिर टाइम से अपने स्टोव के लिए सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट में तो अलाउड नहीं थे. तो किसी ने बोला मोती मार्केट देख लो, तो ये मोती मार्केट है. आप देखते हैं यहाँ मिलते हैं कि नहीं. घूमते घूमते बहुत दूर आ गए हैं, पर बहुत ही डिफरेंट टाइप की मार्केट है. वो तो बहुत मिल रहे हैं, स्टोव वगैरह. तो वो लंबे वाले सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं थे लेह में, फिर हमने नया स्टोव ही खरीद लिया. बट ये अच्छा है, कॉम्पैक्ट और भी. ये हमारे ट्रैकिंग में काम आ जाएगा.
रहा था, अभी एक गुपचुप करके चाय कैफे है वहाँ है, पी के देखते हैं कैसी है। काफी स्ट्रॉन्ग जिंजर वाली चाय है, कड़क तो है, लग हो रहा है भाई, फील हो रहा है कि थोड़ा ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा 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 सर में लग रहा है। यहाँ के कैफे की एक अच्छी बात ये है क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं है, मोबाइल इंटरनेट तो, बट मोस्टली कैफे में वाईफाई इन्होंने लगा रखा है तो हर जगह पे वाईफाई, वरना आप लोग ग्रुप में आए हो तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, तो वाईफाई हर जगह मिल रहा है। मैं तो अभी तक वहाँ भी गए हैं, हर शॉप में भी मोस्टली है, बढ़िया सही है भाई। और ऑर्डर करते हैं फिर यहाँ से, हाईली रिकमेंडेड गपशप चाय शॉप। नए व्लॉगर्स भी आ गए, ये देखो नमूने, ये देखो बाइक का, ये तो लेना ही होता है मैंडेटरी। हाँ मोस्टली अभी तो इसी टाइप की चीज़ें ली, सूनीज अच्छे से मिल गए, मतलब अलग अलग स्टाइल के, जैसे ये पूरा मैप बना हुआ है, ठीक है, बेसिक थिंग्स टू बाय इन लद्दाख। चलो भाई डे टू इन लद्दाख, सुबह 7 बज रहे हैं, अभी नींद आई भाई बड़ी मुश्किल से भाई, कितने जतन किए कल सही में यार, पिछले दिन सोए भी नहीं थे फिर भी इतनी मुश्किल से नींद आई है कल।